हमारा जो सेट ऑफ बॉक्स था ना उसका उस तरफ था बॉक्स, एक बॉक्स उस तरफ लग रहा था और वो बॉक्स हटा करके पीछे की तरफ कनेक्शन कर दिया है किसी एक एयरटेल में रिपेयर करने वाले भाई ने। आगे किसी का कनेक्शन देना था और वहाँ आगे हो गया कनेक्शन। अब सारी लाइन जो यहाँ से आ रही थी और हमारे घर पे आ रही थी, अब सारी लाइन आगे के किसी बॉक्स से आएगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 दिन हो गए हैं आज वाईफाई नहीं चल रहा और अब वायरिंग दोबारा से होगी। और अभी कंप्लेंट डाली थी सुबह भाई ने, तो अब कंप्लेंट पे आ गए थे ठीक करने के लिए। सो अब कह तो रहे हैं वो कि आज वायरिंग हो जाएगी दोबारा से और आज वाईफाई दोबारा से चल जाएगा। सो वाईफाई को लेके सच में डिस्टरबेंस फेस करनी पड़ती है आउटर एरिया में, अगर घर बन रहा है जहाँ पे आसपास कोई घर नहीं है। लेकिन फिर भी एयरटेल कंपनी देखो कितना अच्छा कर रही है ना, वायरिंग डाल रही है दोबारा से। सो एयरटेल का अच्छा है काम। सो मुझे ब्रॉडबैंड को लेके अच्छा लगा इसका काम, है ना। अभी देखते हैं कब तक लगता है, कब लगाते हैं वो आकर के। शाम तक तो लगा ही देंगे कह तो रहे हैं। बाकी धूप फिर से तेज हो गई है, मौसम बारिश का हो रहा है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मौसम जून वाली फीलिंग आती है, जुलाई वाली, जैसे जून खत्म हो रहा हो, मई खत्म नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जून खत्म हो रहा हो, जुलाई आ रही हो। बाकी देखते हैं अब मौसम कब तक ऐसा रहेगा। सो अब कर लेते हैं कुछ अपना PDF से रिलेटेड वर्क जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ना वाईफाई चलने लगा है क्योंकि उन्होंने पीछे से, मुझे पता नहीं चला कब कब कर दिया, सीधा फ़ोन आया मेरे पास कि आपको एक OTP भेजो। रीशेड्यूल किया था टाइम, उसके बाद दोबारा OTP था, मतलब कि भाई आपका काम रिजोल्व हो गया है, जबकि उन्होंने पहले ही कर दिया था। सो कुल मिला के काम पूरा कर दिया है, ये हो गया है मेरा, मीन्स वाईफाई दोबारा से चल गया है। तो एक्चुअल में सेट टॉप बॉक्स जो बॉक्स होता है उनका, वो चेंज किया था, थोड़ा सा इधर लग रहा था फिर इधर कर दिया था। सो मीन्स वाईफाई दोबारा से चल पड़ा है और मुझे अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है और PDF भी क्रिएट करना है और कुछ शेयर से संबंधित में लोगों को बताने से संबंधित कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स का भी काम करता हूँ। बीच में 3-4 दिन हो गए हैं मैं कोई काम नहीं कर रहा, बस सोना 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 सोना। इतनी दही और इतने चावल खाने का मन कर रहा है मेरा, छुके हुए चावल खाने का, तो पता नहीं क्या ही मन कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चावल दही चावल दही चावल दही कितने ही खिला लो, मन उन्हीं का कर रहा है, अब भी मन उन्हीं का कर रहा है, दिन में भी मन उनका कर रहा था तो कि चावल छुके हुए चावल खाऊं तो, पर फिर भी मैंने सब्जी के संग चावल खाए थे नॉर्मल वाले, तो छुके चावल और दही, छुके चावल और दही। दही तो मैं डेली खा रहा हूँ, हद होगी, हैरान हूँ मैं इतने दिनों से दही खा रहा हूँ लगातार। नींद इतनी ज़ोर की आ रही है मुझे, आता हूँ सो जाता हूँ, फिर आ जाया हूँ आज भी सोया हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। तो देखते हैं कितना, बीच में कई काम मेरे छूट गए ना, तो मेरे दोबारा से कंटिन्यू करने हो काम। सो अब PDF वाला काम करते हैं और वाईफाई मेरा लग चुका है। सो अब देखते हैं खाने में क्या है, और पहले खाने में देखते हैं क्या बन रहा है। आज बन रही है आलन वाली सब्जी, ये कढ़ी की तरह ही बनती है, सारे मसाले वगैरह डलते हैं इसमें और छाछ में बनाई है, छाछ में बनाई है ना, दिस इज मेड इन छाछ। और ये फली है ग्वार वाली फली, अभी खदकेगी, कई देर तक खदकती रहेगी। कढ़ी की तरह बनती है बट थोड़ा सा डिफरेंट है टेस्ट इसका, कढ़ी जैसा नहीं होता, बेसन में बनती है, यानी लस्सी में या दही में जब बेसन डाल देते हैं उसको आलन बोलते हैं, ये आलन वाली सब्जी है। क्या बोलो, क्या कह रहे हो आप, बोलो कि जानते होंगे। अच्छा नहीं, फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने का काम है ना, आलन की मुझे नहीं पता थी तो आपको नहीं पता। और क्या, आलन की सब्जी मैंने बनाई हुई है वैसे, तो आलन की सब्जी मैंने बना रखी है। यस, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख रखे हैं। बहल जब मैं गांव में रहता था तो आलन की सब्जी बनाता था। आपने
तो कम से कम यही कहूँगा ना कि मैं हवाई जहाज उड़ा सकता है, तो निकम ने उड़ा रखा है, तो कोई बात नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो ठीक है, खाना बाकी रह गया, अब हम इसको आलन की सब्जी को खाएंगे थोड़ी देर बाद। पानी तो मुझे पिला दो ठंडा ठंडा सा। ओह माय गॉड, आरो ऑन किया है अभी अभी, थैंक यू वेरी मच। अब बस ये खाना बाकी रह गया।